चलिए आज व्हाइट सॉस पास्ता बनाते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट एक पैन में पानी डालकर गरम करेंगे। फर्स्ट देखिए पानी गरम हो गया है, अभी हम इसमें पास्ता डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे, ऑयल भी एक स्पून डाल देंगे। ये खिला खिला रहेगा, चिपकेगा नहीं। इसे हम 70% बॉईल करेंगे। देखिए 70% बॉईल हो गया है, देखिए हो गया है। अभी देखिए इसको हम छान लेंगे। तो अच्छा से धो लेंगे। अभी इसमें एक बटर डालेंगे। अभी हम गार्लिक को सौते करेंगे लाइट ब्राउन होने तक। अनियन डालेंगे, अभी इसमें मशरूम डालेंगे। इसको अच्छे से सौते करेंगे। चिकन भी डाल देंगे। तो आपके अनुसार हम सॉल्ट डालेंगे, चीज भी डालेंगे, उसमें भी सॉल्ट रहता है, अपना स्वाद के हिसाब से सॉल्ट डालेंगे। क्योंकि ये रेडी हो गया है, अभी व्हाइट सॉस डालेंगे। 3 स्पून बटर डाल दिया, 3 स्पून मैदा डालेंगे। इसको अच्छा से मिक्स करेंगे, इसमें लम्स नहीं आना चाहिए। इसको 5 मिनट सोते करेंगे। अभी इसमें मिल्क डालेंगे। इसको चलाते रहिए, इसमें लॉम्स आ जाएगा। इसको अच्छा से चलाते रहेंगे। ये देखिए अभी हो चुका है। अभी इसमें जो फ्राई करके रखा हुआ था वेजिटेबल, वो भी डाल देंगे, मशरूम। इसको मिक्स करेंगे। इसमें नमक डालेंगे, इसमें चिली फ्लेक डालेंगे। मसाले जो मार्केट में मिलता है, जो मसाला पास्ता का, वो सब आप डाल सकते हो, पूरा क्रीमी क्रीमी है। अभी इसमें चीज डालेंगे, चीज डाल दिया है। अभी इसको मिक्स करेंगे। तो ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं रखेंगे, पूरा सीम में रखेंगे। अभी रेडी है पूरा पास्ता। अभी इसको प्लेटिंग करेंगे। चिली फ्लेक डालेंगे, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा हर्ब डालेंगे, पार्सले, अभी बन के रेडी है पास्ता। देखिए बन के रेडी है व्हाइट सॉस पास्ता। खा कर मुझे बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।